नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI CSP अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपनिंग की जो समस्या है हमारे CSP में बहुत दिनों से बनी हुई है, बहुत सारे चेंजिंग हुई, DSH बना, DSH को हटा दिया गया, अब RBO के अंडर में कर दिया गया और बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग में हमें समस्या आ रही थी, प्री चेक फेल का। और बहुत सारे जो हम अकाउंट ओपन कर रहे थे उसका क्या हो रहा था कि जो बहुत सारे अकाउंट रिजेक्ट हो जा रहे थे। लेकिन अभी मैं हम करेंट में बता दें कि बहुत ईजिली अकाउंट ओपन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि जो एक एक करके जो डेट ऑफ बर्थ वाला है वो प्री चेक में चला जाता है, उसका जो है अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी जो वो इशू है वो बहुत कम आ रहा है। आप बिल्कुल प्रॉपर वे में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे अकाउंट को ओपन किया है, किसी में भी प्री चेक सर्विस का फेल नहीं दिया हुआ है। हालांकि अकाउंट मेकर चेकर में कुछ रिजेक्शन आ रहा है तो उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब धीरे धीरे जो अकाउंट ओपनिंग का जो हमारा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी कुछ दिन पहले हम जब अकाउंट ओपन करते थे उसमें क्या होता था कि जब हम कंटिन्यू क्रिएशन करते थे अगर किसी का फेल हो जाता था तो वो नहीं हो पाता था, किसी का फॉर्म जो है जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो हम अभी EKYC के माध्यम से आपको लाइव यहाँ पे खाता खोल के दिखाएंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपका यहाँ पे मैं कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन भी करूँगा, प्रिंट अकाउंट भी फॉर्म भी करूँगा, कोई भी कहीं भी इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक एक जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें प्री चेक फेल हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमने EKYC एक जनरेट किया है, इसके माध्यम से हम एक एक अकाउंट ओपन करेंगे। तो सिंपली इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करने के बाद हम अकाउंट ओपन जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम EKYC से इनरोलमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सारा डिटेल हम भर लेते हैं। भरने के बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले की तरह ही हमें सिंपली अकाउंट ओपन करना है और एक दो जो ऑप्शन यहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया है एनुअल इनकम वगैरह का फिलअप करने का, तो यहाँ पे सिंपली हमें भर लेना है। बाकी कुछ डिफरेंस इसमें अकाउंट ओपनिंग में नहीं है, तो सिंपली इसको हम भर लेते हैं और इस वीडियो को थोड़ा सा हम स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फॉर्म भर के यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद इंस्टॉल डिपॉजिट अमाउंट मांग रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए इजीली अकाउंट यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे कोई भी इशू जो प्री चेक वगैरह का आ रहा था कोई भी नहीं आ रहा है। हम अब इसको सिंपली अकाउंट फॉर्म हम प्रिंट करेंगे, तो सिंपली अकाउंट फॉर्म हमें यहाँ पे देखिए कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे अकाउंट हो गया, यहाँ पे इनरोलमेंट हो गया और इसको हम प्रिंट अकाउंट फॉर्म को प्रिंट करके आप यहाँ पे RBO सेंड कर सकते हैं। आप ब्रांच के माध्यम से आप सेंड करें या डायरेक्टली आप कंपनी के माध्यम से या अपने खुद के माध्यम से आप RBO में सेंड कर लें, RBO में बात कर लें, उसके बाद अपना जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को सबमिट कर दें, वहाँ पर मेकर चेकर हो जाएगा और सिंपली आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत जो है प्रोसेस है वो काफ़ी प्रॉपर में अभी हो रहा है और आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं EKYC के माध्यम से। और इस वीडियो में इतना ही। आप भी अगर SBI CSP से रिलेटिव अगर छोटी बड़ी अपडेट को अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लेकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।